हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने ट्रूकॉलर के अकाउंट में वेरिफिकेशन पेज यानी कि दोस्तों ब्लू टिक कैसे लगाओगे। अगर दोस्तों आप अपने प्रोफाइल में अपने अकाउंट में वेरिफिकेशन पेज लगा लेते हो, ब्लू टिक लगा लेते हो, तो दोस्तों आपका अकाउंट एक प्रोफेशनल मोड में चला जाता है, आपका अकाउंट एक प्रोफेशनल दिखने के लिए मिलता है। दोस्तों आपका प्रोफाइल को कोई भी चेक करता है दोस्तों, उसको प्रोफेशनल दिखने के लिए मिलेगा, उसको दोस्तों बहुत ही अच्छा लगेगा आपका प्रोफाइल। तो दोस्तों आप कैसे इस ब्लू टिक को अपने प्रोफाइल में अपने अकाउंट में लगाओगे, वो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप भी इस ब्लू टिक को अपने अकाउंट में लगाना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहने। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साइट पर दोस्तों आपको अपना वॉइस का स्क्रीन दिखने के लिए मिल होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ट्रूकॉलर में चले जाना है। एंड दोस्तों आपको सबसे पहले ट्रूकॉलर एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, अपनी जो भी आपका जो भी ट्रूकॉलर एप्लीकेशन है, जो भी ट्रूकॉलर का एप है, उसको दोस्तों आपको सिंपली से प्ले स्टोर से जाकर आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से ट्रूकॉलर एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप जैसे ट्रूकॉलर एप्लीकेशन को ओपन करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको साइट पर आपका प्रोफाइल का लोगो या दोस्तों आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिंपल से इस पर दोस्तों आपको टैप कर देना है। आप जैसे इस पर टैप करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपका लोगो के नीचे आपका प्रोफाइल का अपनी प्रोफाइल पिक्चर के नीचे आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल का ऑप्शन या दोस्तों आपको एडिट योर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिंपल से इस पर दोस्तों आपको टैप करना है, एडिट योर प्रोफाइल या दोस्तों कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर दोस्तों आपको सिंपल से टैप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो भी ट्रूकॉलर का अकाउंट है, आपका जो भी ट्रूकॉलर का प्रोफाइल है, उसको दोस्तों आपको फेसबुक से या दोस्तों आपके गूगल अकाउंट से आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको सिंपल से आप गूगल से करना चाहते हो तो दोस्तों आपको गूगल पर टैप करना है। अगर दोस्तों आप फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हो दोस्तों आपको सिंपल से फेसबुक पर ही आपको टैप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सिंपल से गूगल को सिलेक्ट कर दू, यहाँ पर दोस्तों मैं सिंपल से गूगल पर टैप करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट अपनी जो भी गूगल अकाउंट है उस पर दोस्तों आप चले गए, अपने गूगल अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल से क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल से आपका जो भी एक फोटो आपको सिंपल से लगा लेना है। तो यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्ट फोटो भी ले सकते हो या दोस्तों आप गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से मैं डायरेक्ट गैलरी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी फोटो है उसको दोस्तों आपको सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से दोस्तों मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से आप उस फोटो को आप क्रॉप या दोस्तों उस फोटो को आप साइज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल से सेव कॉपी का ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा। तो आपको सिंपल से सेव कॉपी पर आपको टैप करना है। आप जैसे इस पर टैप करोगे उसके बाद दोस्तों आपका प्रोफाइल पिक्चर लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे कुछ डिटेल्स दिखने के लिए मिलेगा। तो इन सारी डिटेल्स को दोस्तों आपको अच्छी तरीके से फिल करना है, फिलअप करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल से क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका जो भी फर्स्ट नेम है, जो भी लास्ट नेम है, उसको दोस्तों आपको सिंपल से एंटर करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी फर्स्ट नेम है, आपका जो भी रियल नेम है, उसी को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल से एंटर करना है। अगर दोस्तों आप कोई भी फेक नेम एंटर करोगे तो दोस्तों आपको सिंपल से आपको वेरिफिकेशन पेज नहीं मिलेगा, आपको ब्लू टिक आपके अकाउंट में दिखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको ब्लू टिक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपका जो भी रियल नेम है उसी को ही दोस्तों आपको सिंपल से एंटर करना है। या दोस्तों आप गूगल से कनेक्ट किए हैं तो दोस्तों आपके गूगल अकाउंट में जो भी नेम है उसको दोस्तों आपको सिंपल से एंटर करना है। अगर दोस्तों आप फेसबुक से कनेक्ट किए हैं तो दोस्तों आपका फेसबुक में जो भी नेम है उसी को ही दोस्तों आपको सिंपल से एंटर करना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको जो भी रियल नेम है उसी को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल से एंटर करना है। अपने जो भी फर्स्ट नेम है, जो भी लास्ट नेम है, उसको दोस्तों एंटर करने में दोस्तों मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए चलेगा। अगर दोस्तों कोई गड़बड़ है, आपका नंबर को आप एडिट भी कर सकते हो दोस्तों, आपको सिंपल से अपने नंबर को आपको चेक कर लेना है। अगर दोस्तों आपका और भी कोई नंबर है, सेकंड नंबर है दोस्तों, आपको सिंपल से उस नंबर को भी दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको सिंपल से एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी चलेगा। अगर दोस्तों आप गूगल से कनेक्ट किए हो तो, अगर दोस्तों आप फेसबुक से कनेक्ट किए हो दोस्तों, आपके फेसबुक में जो भी ईमेल आईडी है वो दोस्तों ऑटोमेटिकली चलेगा। अगर दोस्तों ईमेल आईडी नहीं है तो दोस्तों आपको सिंपल से यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको सिंपल से एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो दोस्तों आपको पूछेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो भी रियल डेट ऑफ बर्थ है उसी को दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको सिंपल से एंटर करना है। तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करने में दोस्तों आपका जो भी जेंडर है, आप मेल हो, फीमेल हो, कोई भी चीज हो, कोई भी हो दोस्तों, आपको सिंपल से
कोई भी हो दोस्तों, आपको सिंपल से मेल हो या फीमेल हो, उसको दोस्तों आपको सिंपल से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से दोस्तों मैं मेल को सिलेक्ट कर दूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एड्रेस पूछेगा, तो यहाँ से दोस्तों आपको सिंपल से आपका जो भी रियल एड्रेस है उसी को दोस्तों आपको सिंपल से एंटर करना है, ताकि दोस्तों ट्रूकॉलर को भी लगे कि ये दोस्तों ये आदमी रियल है, इसको दोस्तों मैं वेरिफिकेशन पे ब्लू टिक दे दूँ। तो यहाँ से दोस्तों आपको सिंपल से क्या करना है, आपका जो भी रियल एड्रेस है, आपका जो भी एड्रेस है वो दोस्तों आप एंटर कर देना है। आपका जो भी स्ट्रीट, आपका जो भी गांव का नाम है, जो भी शहर का नाम है, उसको दोस्तों आप सिंपल से एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी जिप कोड यानी दोस्तों आपका जो भी पिन कोड है उसको दोस्तों आपको सिंपल से एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल से आपका जो भी नियरेस्ट सिटी है उसको दोस्तों आपको सिंपल से एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली कंट्री सेलेक्ट होकर चले जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल से अबॉर्ड में, आप अगर कोई कंपनी में जॉब करते हो दोस्तों उस कंपनी का नाम भी एंटर कर सकते हो, टाइटल। अगर दोस्तों आपको कोई भी वेबसाइट है दोस्तों उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दोस्तों आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अपने बारे में अबाउट, आपका जो भी अबाउट है उसको दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप एंटर कर देने। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप टैग भी लगा सकते हो दोस्तों, आप टैग लगाना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे एजुकेशन, आर्ट स्कूल, यूनिवर्सिटी, आप जो भी करते हो, अगर दोस्तों आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो दोस्तों आपको सिंपल से यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। और हाई स्कूल में होते हैं दोस्तों आपको सिंपल से आपका जो भी आप टैग लगाना चाहते हो उस टैग को दोस्तों आपको सिंपल से एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सेव का एक ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा, तो आपको सिंपल सेव पर आपको टैप करना है। अब जैसे सेव पर टैप होगी उसके बाद दोस्तों आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, अपने दोस्तों की मोबाइल में, अपनी जो भी आपका दोस्तों का मोबाइल है उसमें दोस्तों उनके ट्रूकॉलर में दोस्तों आपका नंबर को आपको सर्च करना है। यानी दोस्तों आपको 30 से 40 मोबाइल पर ये दोस्तों आपको करना है, 30 से 40 लोगों के मोबाइल पर आपका नंबर, आपका ट्रूकॉलर में जो भी नेम है उसी नेम से आपको सेव करना है, उसी नेम से उनके ट्रूकॉलर में आपका नेम को सर्च करना है, आपका नंबर को आपको आपके नंबर को उनके मोबाइल में सर्च कराना है। तो ये सारा कुछ करने के बाद दोस्तों आपको 24 से 30 घंटे यानी कि दोस्तों आपको 48 से 72 घंटे के अंदर आपको वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा। तो आपको सिंपल से 48 से 72 घंटे आपको वेट कर लेना है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, एंड दोस्तों अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे न्यू वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच पाए। तो आज की इस वीडियो में इतने ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।